बोल रहे फिर खैरियत से हैं फैजान भाई को देखा आज कई सालों में किसके जूते ये वाले ये मेरे तो जूते खोल कर रखते हैं खालूत रख लो नए जूते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग मैं आपका दोस्त फैजान काफ़ी टाइम के बाद फिर से आ गया हूँ एक और नए बेहतरीन ब्लॉग के साथ सो ये तो बहुत हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तो एक वो मिल गया न्यू गोल्डन वाले की उस दिन बंद थी अच्छी वो ना गोल्डन वाले का कुछ मतलब पहले दुकान कर रखी उन्होंने बहुत बड़ी अब वो बाद दोबारा ठेली पे आ गया बंद करवा दी कोरा ही कोरा मतलब पीली वाली ज्यादा काटती है ये पीली वाली वाइट में वाइट नहीं कटेगी सो पहला स्टॉप लिया हमने कहाँ पे आ गए हम आ गए वहाँ पे तुम्हारा अल्लाह वाला सोनीपत हमने पार कर दिया बीच में एक घंटे के लिए सो गया टाइम क्या हो रहा टाइम हो गया भाई लगभग 4:45 बज रहे हैं और हमारा पहला फ्यूल स्टॉप है ये और आपको दिख रहा होगा आंखों में नींद बाकी फ्रेशर है पोते हैं और चलते हैं फिर सीधा कंटिन्यू करते हैं फिर आए मेरे जेट दिख रहा है बंद कर दी तुमने ये देखे कबाब ये हमारे फैजान भाई दादा क्या हाल है दादा बहुत बढ़िया दादा बस आप और मैं फैजल भाई नहीं सोए हैं बाकी ये सब सो रहे हैं देखो क्या मामा सो रहे हैं मामा तो पूरे और मामा ने तो चद्दर ओढ़ रखी है पीछे नहीं यार नहीं पीछे गिरा मैं ये तो पूरी नींद लेके आया हूँ इसे सो रहा है सही दिन पर सही सो गाइस सुबह हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी नींद तो मैंने और पीछे फैलाने ने ले ली है बाकी मामू का ये कश्मीर जाके उठेंगे अरे बता दिया अभी नहीं पेरेंग था हमारा रास्ता बताएंगे कौन सी वीडियो पे वो बनाते नहीं है ये रिमोट रिमोट है एकदम रिमोट निकल के आएगा ये होम पोज जो के ये होम में सीधा इस बटन को इसका बहुत अच्छा फीचर आया है इसे दबाते ही तुम सीधे अपने घर चाहे कितने भी किलोमीटर आगे चले जाओ पैसे लगेंगे ये कितने मैंने 2-3 हज़ार रुपए लगे तो बंद करियो मैंने इसे सही बन अब ऑलमोस्ट सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अब चलते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं आपको सारे कौन कौन है साथ में और ये आ गए टपरी पे पंजाब की पहली पहली चाय पंजाब की पहली पहली चाय आपको ठीक मिलेगी चिंता नहीं चाचा आज भी अंगीठी पे चाय बनाते हैं पतीला इधर रखो बड़ा वाला ये खाली हो यहाँ उधर से इधर से ना टकराओ सब आपको दिखा देता हूँ ये हमारे शाबान भाई ये भाई फैजान है ये हमारे नवेद मामू है ये गुड्डू मामू और ये फैसल तो अब चलते हैं
जब ये फैजान पीछे जो ऐसे सो रहा है, सो जाता कोई एम्बुलेंस नहीं है कुछ ना कुछ है देखो। हाँ अंतिम संस्कार इधर को पानी की तरफ ये कर रहे हैं ना ये भी। जन्नत जन्नत सुभान अल्लाह यार ये बेटा तेज आ जाता पापा जाएंगे दुकान पे बैकग्राउंड देख सकते हैं आप। अभी बस छोटा सा एक ब्रेक के लिए रुके हैं और फिर चलते हैं। अभी ऑलमोस्ट 7 घंटे का सफर बाकी है तो शूट वूट सब कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हम कहीं आते ले ले लद्दाख घंटा जुम्मे तक पहुंचे। और अप्रूवल कब की हुई है? अप्रूवल की तो ये है भाई, अप्रूवल करे ना करे अब तो हम यही है। अब तो आ गए, अब तो काटनी पड़ेगी, अब तो भैया कर लो जो करो यार। ट्रैफिक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा और ये हल्का हल्का चल रहा है लेकिन आगे फिर ट्रैफिक हो रहा है। हे तकार है बैठे बैठे हम बहुत थक चुके होते हैं शबान भाई। हाँ ये छोड़ के जा रहे हैं हमें, चलते हैं पैदल पैदल कहाँ तक जाएंगे, ये भी आगे तक ही रुके जाएंगे। ये हम निकले हैं पटनी टॉप के लिए, ये बस नवेद भाई की वजह से निकल पाए हम और कुछ उन पुलिस वाले भैया की जो सबको रोक के हमें जाने दिए। अब हम पटनी टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पे होटल ढूंढ रहे हैं। एक मिला था लेकिन विदा वाईफाई का था तो वाईफाई वाला ढूंढते हैं। कार ये खड़ी शबान भाई और मैं जा रहे हैं देखते हैं। एकदम सुन करने वाले ठंड है इस टाइम, -4 -5 हो रहा होगा। बस जल्दी से होटल मिले और फिर जल्दी से अपने आप को करते हैं और फिर खाना खाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो गुड मामू। ठंडी का और यह हमारा खाना आ चुका है, खाते हैं। सो अब फाइनली रूम में आ चुके हैं और रूम ले लिया है। रूम का टूर देने लायक कुछ खास नहीं क्योंकि हमें सिर्फ नाइट स्टे करना था। बाकी आज का व्लॉग हम ये पेंड करते हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।